So, here is the example of the multivariate analysis of variance. Now, the example is a numerical example of the multivariate analysis of variance. You can say that this is the MANOVA. Suppose we want to investigate the effect of three different teaching methods. So, we have the three different teaching methods method A, method B, and the method C on student performance. A method A, suppose. मैथड ए इज द ऑनलाइन टीचिंग मैथड बी इज द ऑन कैंपस टीचिंग एंड मैथड सी मे बी इज द प्रेजेंटेशन क्वेज और असाइनमेंट टीचिंग मैथड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन थ्री सब्जेक्ट्स सो वी हैव थ्री सब्जेक्ट मैथ्स इंग्लिश एंड साइंस अब थ्री सब्जेक्ट्स में मैथड ए इन थ्री सब्जेक्ट्स पर हम चेक करेंगे उसका क्या इफैक्ट है मैथड बी का थ्री सब्जेक्ट्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे मेथड सी का इन थ्री सब्जेक्ट्स पे हमने चेक करने है स्टूडेंट परफॉर्मेंस नाउ दाइपोज दब्जेक्ट बेसिकली हमने क्या टेस्ट करना है कि जो हमारे पास ऑल थ्री टीचिंग मेथड है उनका सब्जेक्ट के ऊपर सेम इफेक्ट आ रहा है या उनका सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है तो हाइपोथसिस हमारे पास क्या है the hypothesis that the teaching method have the same effect on the subjects i have a hypothetical data set with 30 students 10 for each teaching method total we 30 student or 10 humne each teaching method ke according set so this is the data so we have 20 30 students okay? total we have 30 student 1 to 15 and other is the 15 to 30 16 to 30 now this is the teaching method a this is the teaching method b and this is the teaching method c or score math science and english similarly this is the teaching method of a b and c and here is the score of math science and इंग्लिश अब ये डेटा हम यहां से लेके जाएंगे एस पी एस एस पे और SPSS से फर्दर हम इसको एनालाइज करेंगे सो दिस इज दी स्टूडेंट आई डी टीचिंग मैथड मैथ साइंस एंड इंग्लिश अब आपके पास है टोटल कितने स्टूडेंट्स थे वी हैव थर्टी स्टूडेंट्स ओके टीचिंग मेथड यहां पे आप जाओगे वेरिएबल व्यू आईडी टीचिंग मेथड टीचिंग मेथड आपके पास क्या था अगर हम ए बी सी रखेंगे तो यहाँ पे आप इसको नोमरिक की जगह स्ट्रिंग कह दोगे तो वो ए बी सी के अकॉर्डिंग उसको ले लेगा बट हमने यहाँ पे क्या किया है बेसिकली यहाँ पे कोडिंग कर ली है मेथड ए को मैंने वन का है मेथड बी को टू मेथड सी को थ्री अगेन मेथड ए को वन मेथड टू बी एंड मेथड सी वच इज सीक्वल टू थ्री उनको कोड कर लिया और सेम उनके मैथ साइंस एंड इंग्लिश के मार्क्स है अब नेक्स्ट हमने क्या करना है एनालाइज जर्नल इनियन मॉडल मल्टीवेरियट ठीक है एनालाइज जर्नल इनियन मॉडल एंड मल्टीवेरियट मल्टीवेरियट में आपके पास कोडिंग कहां है टीचिंग मैथड में कोडिंग है टीचिंग मैथड को मैंने फेक्स फैक्टर कह दिया है और डिपेंडेंट में कौन से हमारे पास वेरिएबल है मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश मैथ साइंस एंड इंग्लिश और मैं यहां पे कोई मॉडल को भी टच नहीं करी कोई ऑप्शन और किसी को मैंने टच नहीं किया एंड जस्ट मैंने यहां पे ओके कर दिया नाउ दिस इज द आउटपुट इंटरसेप्ट वन टू थ्री आपके पास कितने थे ईच इन टेन तो आपके पास मेथड वन में टेन मेथड टू में और मेथड थ्री में टेन वैल्यूज हैं दिस इज दी विल्क्स लैम्डा टीचिंग मेथड का विल्क्स लैम्डा की हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे हमारे पास विल्क्स लैम्डा देखो तो पॉइंट इसकी वैल्यू आई है होटलिंग ट्रेस पॉइंट टू ट्रेस पॉइंट तो ये आपके पास मल्टीवेरिएट टेस्ट है अब हम फर्दर

डिग्री ऑफ फ्रीडम टू परफॉर्म द मनोवा अभी मनोवा मैंने आपको सारा परफॉर्म करके दिखाया अब परफॉर्म करने के लिए आपके पास क्या था ऑर्गेनाइज योर डेटा विद वन रो पर सब्जेक्ट एंड कॉलम फॉर सब्जेक्ट आईडी ट्रीटमेंट ग्रुप एंड द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मैथ स्टार्ट एंड मैथ साइंस एंड इंग्लिश ठीक है डेटा हमने प्रिपेयर कर लिया डिफाइन योर वेरिएबल डिफाइन हमने वेरिएबल व्यू में उसको वेरिएबल डिफाइन कर दिए थे मैथ इंग्लिश एंड साइंस मैथ साइंस एंड इंग्लिश हमने वेरिएबल्स सारे डिफाइन किए हैं वेरिएबल व्यू में। नेक्स्ट दिस इज़ स्टेप थ्री कहाँ गए थे एनालाइज पे जर्नल इनियन मॉडल और वहां से हमने मल्टीवेरिएट में एंटर किया था डेटा और कैसे हमने एंटर किए थे थ्री हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल उसको हमने मूव कर दिया डिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास स्टूडेंट आई थी उसको हमने फिक्स फैक्टर में मूव किया देन क्लिक दी ऑप्शन अगर हमें हमें कोई पोस्ट टेस्ट टेस्ट चाहिए टकी टेस्ट चाहिए टकी उनकी हमने सिग्निफिकेंस चेक करनी है तो हम तब अप्लाई करते हैं वो आपको पता है वो किस कंडीशन में अप्लाई होता P है इफ पी वैल्यू इज लेस देन तो देन हमारे पास टेस्ट अप्लाई होता है पोस्ट हॉक टेस्ट देन क्लिक मनोवा और मनोवा क्लिक करने के बाद आपके पास रिजल्ट जनरेट हो गया था और रिजल्ट में आपने उसकी देखी है पी वैल्यू क्या आ रही है मल्टीवेरियर टेस्ट हमने अप्लाई किया यूनिवेरियर टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल के अंदर डिफरेंट ऑप्शन आती हैं यानी कि हमने सिर्फ मेथड ए का कंपैरिजन करना था थ्री सब्जेक्ट के साथ तो तब हम यूज करते हैं अनोवा टेस्ट देन इंटरप्रेट दिग्निफिकेंस लेवल इंटरप्रेट किया मनोवा टेस्ट हमने यूज किया मनोवा की पास, वहाँ आप तो आपके पास अगर वहां पे आप वैल्यूज देखो तो वैल्यूज आपके पास इनसिग्निफिकेंट आ रही थी ठीक है ना मनोवा की हमने जब वहां पे वैल्यूज देखी विल्क्स लेमडा की तो विल्क्स लेमडा की वैल्यू हमारे पास बेसिकली इनसिग्निफिकेंट आ रही थी तो इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज आने के लिए क्या उसका रीजन है या क्या उसको इंटरप्रेट करना है सो वी कंक्लूड दैट कंक्लूड क्या कर रहे हैं हाइपोथेसिस क्या था हमारे पास ऑल टीचिंग मेथड्स हैव द सेम इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स यस ऑल टीचिंग मेथड द सेम इफेक्ट ऑन सब्जेक्ट्स बिल्कुल हमारे पास यही हाइपोथेसिस जो हमने डिटर्मिन किया था जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था वही हाइपोथेसिस हमारे पास कंक्लूजन में आ रहा है सो नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट किया है एक्सेप्टेंस में हमारे पास क्या है ऑल टीचिंग मेथड have the same effect on subject this is the conclusion of this example